हजरत इमाम शाफी फरमाते मेरे इलाके का एक नौजवान था, आलिम फाजल नहीं था पर नेक बड़ा था, मेरे साथ हज करने आ गया और मुझे वहां जाके पता चला वो भी आया हुआ है। फरमाते वो हज में, मैं बड़ी कोशिश करता उससे मिलने की, तो कहता हुजूर क्या हज में बातें करनी, रब रब ना करें, एहराम बांधा हुआ है, बाद में बात करेंगे। फरमाते मौका ही ना देता, जवान था बड़ा परहेजगार। फरमाते वो जब भी दुआ के लिए हाथ उठाता तो कहता या अल्लाह मुझे कब्र में भी नमाज की और कुरान की तौफीक देना। कहा मौला अली एक दिन आके खड़े हो गए, अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह जन्नत में नमाज भी होगी कि नहीं? हुजूर ने फरमाया अली नमाज की जगह तो ये है, वहां तो अजर मिलेगा नमाज का। तो अर्ज करने लगे हुजूर जहां नमाज नहीं ना होती अली को मजा कोई नहीं आता दिन गुजारने, नमाज मिलेगी ना वहां? कहां जी, अल्लाह ही खैर करे। मैंने बयान ही बड़ा मुश्किल शुरू कर दिया, जन्नत में नमाज की तलाश। तो इमाम शाफई फरमाते हैं कि वो ना दुआ मांग रहा था या अल्लाह कब्र में भी तौफीक देना, कब्र मेरे काबू नहीं आता था, मैं बड़ी कोशिश करता जरा बैठे को बातचीत करूं पर वो निकल जाता और अपनी इबादत में लग जाता। फरमाने लगे एक दिन ना वो हतीम के पास बैठ के कुरान पाक पढ़ रहा था, मैं दो तीन दफा गुजरा तो पढ़ ही रहा था, मैंने कहा आज काबू आ गया, मैं उसके पीछे बैठ गया और मेरे दिल में ख्याल था कि जितना भी आज पढ़ेगा ना मैंने इसे दो चार बातें करके जाना है। आप फरमाते भी मेरे दिल में ख्याल आया, उसने कुरान मजीद समेटा और मेरी तरफ देख के कहने लगा हुजूर मैं भी आपका इंतजार कर रहा था, आज मेरा भी दिल था आपसे मिलने। कहते मैं खुश हो गया, लेकिन उसने कमाल कर दी, जेब से चंद दिनार निकाले और कहने लगा हुजूर आज जोहर की नमाज के बाद ना मेरा इंतकाल हो जाएगा, तो ये ना पैसे रख लें कफन खरीद के ना, तो मेरा जनाजा पढ़ के तो यहां जन्नतुल मौला में दफन कर देना। इमाम साहब कहते हैं मैं अगले लफ्ज कहने लगा था कि मुझ पे सख्त आ गया, कहने लगा हुजूर मेहरबानी कर देंगे आप मेरे इलाके के,